है ना, किस परिवार को नियंत्रण में रख के परिवार के साथ सुख शांति से, तो कामाख्या साधना है कौन सी, है ना। दुश्मन को खत्म करना है, उसको पीड़ित कर करके परेशान करना है, भले वो करोड़ों में खेल रहा है, और उसको रोड पे लाना है ना, तो धूमावती है। मतलब कोई गृहस्थी जीव इस मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, भले पुरुष हो स्त्री हो, उससे कोई आपदा नहीं है। गृहस्थ को, गृहस्थ इसका प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? अगर गलती से कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उसका भुगतान उसके परिवार को भुगतना है, पूरा परिवार। पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं। आदेश, हम नहीं आते। हमारा नाम योगी जयनाथ जी महाराज है, अखिल भारतीय अवधूत पेश बारह पंथ योगीनाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। हमारी जन्मभूमि गुजरात से है और पिछले 8 या 9 साल से हम राजस्थान में ही रह रहे संन्यास धर्म को पाके। जब हमने हमारे गुरु महाराज से अरदास लगाई कि गुरु जी हमको भी इस राह पे चलना है, तो बोला बेटा ये रास्ते पे ना चलो तो अच्छी बात है, बहुत कठिन रास्ता है, ये तंत्र मार्ग है, इसमें दुनिया से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना पड़ता है ना, दुनिया से विपरीत दिशा में जाना है। बोले हम गुरु जी कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप बोलोगे जो करेंगे, बोले मुर्दा खाना हो तो हम खा लेंगे, हम कहीं पीछे आने वाले नहीं है। बोला बेटा घोर मार्ग बहुत ही कठिन है ना। पहली बार गुरु जी ने बोला कि चल तो एक काम कर ले, हमारे साथ 41 दिन का यक्षिणी साधना कर ले। हमको गुरु जी गुवाहाटी में ले गए माता कामाख्या पीठ पे, 41 दिन का हमको अनुष्ठान करवा रहा है। गुरु जी हमको पहले बोले बेटा 41 दिन का जो कामाख्या के अंदर अनुष्ठान होता है, उसमें अपने गर्दन पे एक तलवार रहती है, एक तलवार सामने वाले के गुरु के या जो भी हमारा प्रशिक्षण ले रहा है उसके गर्दन पे तलवार रहती है, और उस दौरान ना तो हमारे शरीर हमारे काबू में रहता है ना तो अगले का। अगर सिद्धि साधना में हमने कोई भी छोटी मोटी सी भी गलती कर दी है वहां, तो उस दौरान या तो उनके हाथ की तलवार चल जाएगी या हमारे हाथ की, हमारे देखते देखते कईयों के सर हो जाते हैं। तो सिद्धि साधना आजकल ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, दुनिया बता रही है, आज इतना इतना बच्चा घोरी बन के घूम रहा है, क्या क्या है अगर कोई जानता है, ये बहुत कठिन मार्ग है। जैसे हमने धीरे धीरे जीवन में आते 7 साल की उम्र से शुरुआत की, आज हमारी 27 साल की एज है, पूरा भारत का भ्रमण करते, हर गुरु पीरो से मुलाकात करते, जैसे हर श्मशान का हमने अनुभव किया है, हर सिद्धि साधना का हमने अनुभव किया। गुरु जी ने यक्षिणी साधना में हमको बैठा है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको कोई एहसास होने लगा कि कोई शक्ति हमारे आजू बाजू है, इर्द गिर्द घूम रही है, तो हम पहले तो थोड़ा डर गए, बालक अवस्था में थे। तो गुरु जी हमको बोले कि डरना मत, घबराना मत, तू भी मरेगा और हमको भी मरवाएगा। बोला ठीक है गुरु जी। गुरु जी हमारे सामने बैठे हुए, एक और हमारा गुरु भाई है मुन्ना नाथ करके, वो हमारे बगल में बैठा हुआ है। अचानक से एक बच्चा आ जाता है 7-8 साल का, 7-8 साल का एक बच्चा आ जाता है, हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है, हम सब देख रहे हैं। गुरुजी बोले कुछ बोलना नहीं। अभी वो माहौल मतलब एकदम खौफनाक हो गया, वो बच्चा धीरे धीरे हम सबको मतलब हम तीनों पे हावी होने लगा, क्योंकि जब भी कोई सिद्धि साधना करते हो तो अच्छी ताकत तो बाद में आती है, जैसे कोई देवी शक्ति को जगाते हो तो बाद में सिद्ध होगी, सबसे पहले आस पास में घूमने वाली जो खराब शक्तियां है, नेगेटिविटी, वो आप पे हावी हो जाती है। तो धीरे धीरे हम पे हावी हो गई, गुरु जी पे नहीं हुई, ना ही हमारे गुरु भाई पे हुई, हम पे हावी हो गई। उस 10 मिनट के बाद हमको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, कब गुरु जी हमको उठाए के लेके गए, कब हमारे गुरु भाई ने क्या किया, हमारे कोई अनुभव नहीं। लेकिन उन लोगों ने जो हमको बाद में वाकया बताया कि हमने पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, माता का पूजा कक्ष पूरा नष्ट कर दिया है, कोई चीज हम पे हावी हो गई थी, जब जाके हमको यकीन आया कि इस सृष्टि में हर चीज मौजूद है। ऐसे में आपने खुली आंखों से देखा कि आपके आजू बाजू घूम रही है लड़की, दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आभास हो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सिर्फ महसूस करना छोटी सी बात,
यक्षिणी साधना में, यक्षिणी में। ये 8 साल की उम्र में थी जब, उस समय की बात है। 9 साल की उम्र में हमने यक्षिणी साधना की गुरु महाराज के साथ। पहला यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना है कि जो भी चीज हमको जहाँ चाहिए, भले धन हो, माया हो, अन्न हो, कोई भी चीज हो, तो वो हमारा जितना भी हमारी जरूरत है वो यक्षिणी साधना पूर्ण करती है, उसको सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध किया जाता है। जैसे राजा वीर विक्रमादित्य का नाम सुना हुआ है आपने, उज्जैन महाकाल के। विक्रम संवत के नाम से आज पूरे भारत का साल चलता है, 2080 है ना। तो वो जिस सिंहासन पे बैठते थे उसको सिंहासन 32 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 32 प्रकार की यक्षिणी माने एक राक्षसी है। आप मराठी में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, नीलावंती ग्रंथ। कौन सा? नीलावंती ग्रंथ। अब नहीं मिलता, नहीं मिलता, उस पे बैन लगाया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि लगभग 30 लाख लोग उससे मेंटल हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अच्छा। क्योंकि वो चीज तुरंत हावी हो जाती है, उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। नीलावंती नाम है उस ग्रंथ। नीलावंती। हाँ, तो 32 यक्षिणियां 32 प्रकार की है। कितने? 32 प्रकार की। तो राजा वीर विक्रम था, उनके दरबार में 9 रत्न यानी 9 अलग अलग पिशाच थे, प्रेत थे। वैताल था, ये वैताल भटता, ऐसे करके 9 अलग अलग रत्न थे, 9 रत्न थे। कहानी नहीं, ये सत्य है। अच्छा, सत्य है। पहले कहानी देखते थे टीवी सीरियल। हाँ, कहानी देखते थे विक्रम बेताल। हाँ। और 32 प्रकार की राक्षसियां हैं उनके सिंहासन के नीचे। आज भी वो सिंहासन पे कोई नहीं बैठ सकता। क्यों? कि अगर कोई उस पत्थर पे बैठने की कोशिश करेगा, 3200 में से कोई भी सामने आके उसको नीचे गिरा देगा, पटक देगी। तो यक्षिणी साधना के बाद और कौन कौन सी साधना है? जैसे 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या। हाँ, जिसमें प्रथम काली आती है, द्वितीय तारा देवी है, धुमावती है, बगलामुखी है, भुवनेश्वरी है, छिन्नमस्ता है, मातंगी है, कमला है, कामाख्या है ना, ऐसे 10 महाविद्याएं हैं। तो 10ों का अलग अलग कार्य है। जैसे कि आप अपने जीवन के अंदर पारिवारिक सुख चाहते हैं, है ना, कि परिवार को नियंत्रण में रख के परिवार के साथ सुख शांति से, तो कामाख्या साधना है। कौन सी? कामाख्या साधना। सेकंड नंबर बगलामुखी का। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो, कोई नेता, मंत्री, संतरी, एमएलए कुछ भी बनना चाहते, तो उसके लिए बगलामुखी है। माता बगलामुखी का काम है कि जो आपके विरुद्ध दिशा में चल रहा है, अपोजिट पार्टी है, उसको गिराना है, उसकी जुबान बंद करनी है, तो बगलामुखी साधना है ना। दुश्मन को खत्म करना है, उसको पीड़ित कर करके परेशान करना है, भले वो करोड़ों में खेल रहा है, और उसको रोड पे लाना है ना, तो धुमावती है, जो दरिद्रता की देवी है। उनके वस्त्र देख लेना, एकदम फटे हुए कपड़े होंगे, धुमावती थे, कंवर लगे रहेंगे उनके पीछे, है ना। तो माता धुमावती है। ऐसे 10 महाविद्या, 14 स्मशान विद्या है। जो 14 स्मशान विद्या तारापीठ में सिद्ध होती है, कहाँ पे होती है? तारापीठ। 10 महाविद्या आसाम गुवाहाटी नीलांचल पर्वत के पास माता कामाख्या शक्तिपीठ है, वहाँ पे होती है। 14 स्मशान विद्या माता तारापीठ अघोरगढ़ में होती है। और एक देवी है जो इस सृष्टि के समस्त ज्ञानों से पर है, जिसको बाला त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं, त्रिपुरा स्टेट में विद्यमान है। अच्छा, त्रिपुरा स्टेट में विद्यमान, त्रिपुरा है ना, जिसको बाला त्रिपुर सुंदरी, जिसको इस सृष्टि में सबसे बड़ा वरदान है, उसके जितनी सुंदरता, एक त्रिपुर सुंदरी माने के इंसान इस सृष्टि में 3 जाति है। कितनी? 3 चतुर्वर्ण है, 3 जाति है, जेंडर पुरुष, स्त्री और हिजड़ा, नपुंसक बोलते है, है ना, अर्धनारी। 3 है। तो माता बाला त्रिपुर सुंदरी है, वो अर्धनारेश्वर का रूप है। अच्छा। तो आज के समय में आप देख लीजिए कि जितनी कोई औरत सुंदर नहीं रहेगी, उतना किन्नर सुंदर रहेगा ना, क्योंकि उनको वरदान है वहां से। तो वो देवी का एक आज भी अलग है कि आज तक वहां कोई त्रिशूल लेके नहीं जा पाया। सच्चे मन से जो कोई भक्त नीचे से त्रिशूल उठाता है, भले इतना सा उठाओ, भले 2 फीट का उठा, माता त्रिपुरा तक लेके नहीं जा सकता। जो त्रिपुरा तक जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। भारत के अंदर आज भी कई ऐसी जगह है जिनको न तो साइंस समझ पाया है, न हर कोई आज तक समझ पाया है। हिमाचल में एक और शक्तिपीठ है जिसको माता शिकारी देवी बोलते हैं। शिकारी देवी पांडवों के द्वारा वहां चूल्हा लगाया गया था, उस जंगल में शिकार कर रहे थे, माता काली बोलते हैं नाम उसका रखा हुआ, शिकारी देवी। एक इतना सा चौतरा बनाया हुआ है जहाँ माता विद्यमान है, ऊपर छत नहीं है, है ना, छत नहीं है,
लेकिन आज भी बारिश गिरेगा, बर्फ गिरेगा बहुत ऊंचाई पे, हवा आएगी तो बस उस चौतरे पे नहीं आएगी, बारिश गिरेगी तो ये दीवाल है तो दीवाल से नीचे गिरेगी बस उस चौतरे पे नहीं, बर्फ गिरेगा तो ये दीवाल से सटिक के आप बैठे हो तो बस आपके बगल से ऐसे निकल जाएगा, बाकी बर्फ आप पे। शिकारी देवी, शिकारी देवी कुदरत की बनाई हुई छत है, उसको आज तक नासा नहीं समझ पाई। माज्वाला जी में आज भी नौ ज्योता जलती है, जलती है ना। सनातन संस्कृति बहुत गहरी है, एक समंदर है इसको अंदर अघोर तंत्र मंत्र और सब महाविद्या है, जितने भी सृष्टि के अंदर तंत्र है मंत्र है विद्या है सिद्धि है साधना, इन सब का काठ है। क्या है? इन सब चीजों का काठ है, लेकिन एक चीज का काठ नहीं, जिसको साबर महामंत्र बोलते हैं। अच्छा, साबर। इस सृष्टि में सबसे बड़ी विद्या है साबरी विद्या, जिसका ना तो कोई काट है ना कोई इलाज है। अच्छा। और साबरी विद्या उसी को मिलती है जो नाथ संप्रदाय से जुड़ता है, आई पंथ में वाम पंथ में नटेश्वरी में, तो हमारे बेस 12 और 18 पंथ है ना, तो उसमें जो अघोर की दीक्षा ग्रहण करेगा मतलब कान फड़वाएगा उसको साबर मंत्र मिलेगा, उसको साबर मंत्र मिलता है, मतलब वो पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। जैसे आप सब है तो आप पैंट शर्ट पहन सकते, सिला हुआ कपड़ा हम नहीं पहन सकते। तो जो सनातन के नीति नियम और कायदे का अंदर रह के जो सिद्धि इसका, इस मंत्र का गलत यूज भी हो सकता है, हो सकता है, मतलब कोई गृहस्थी जीव इस मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, भले पुरुष हो स्त्री हो उससे कोई आपदा नहीं है, गृहस्थ को गृहस्थ इसका प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? अगर गलती से कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उसका भुगतान उसके परिवार को भुगतना है, पूरा परिवार भुगते नष्ट हो जाता है, पूरा नष्ट परिवार नष्ट। मान लीजिए किसी को कोई संत ने इस मंत्र को लिया, नहीं देते ने संत के पास है ये मंत्र, हाँ। आपके ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सारे संत सही होते हैं, सही नहीं, ऐसा है कि हमारे जो गुरुपीर रहते हैं, जैसे हम टोटल 85 गुरु भाई है, कितने 85 दर्शनीय अगड़ और आप जैसे तो हजारों लाखों की संख्या में, तो हम दर्शनी दर्शनी बाबा जगदीश नाथ जी के हम 85 चेले हैं, कितने 85 उनमें से उन 85 मतलब सब में से छान बटोर के वो कोई एक या दो चेला बनाते जिनको उपदेशी कहा जाता है, सबको नहीं बनाएंगे, किसी एक को वो अपना जो भी अपना पास हो, जो उनके पास क्रिया है सिद्धि है साधना है ना, तो चुन के बटोर के कि ये बंदा हमारी चीज को संभाल सकता है तो उसी को देंगे, नहीं तो अपनी क्रिया को अपने साथ समाधि में दफन करके चले जाएंगे, बाकी देखें कि नहीं। आपको मिला? हम उपदेशी हैं। अच्छा। हम दो गुरुओं के उपदेशी है, बाबा जी के भी उपदेशी है और हमारे गुरु के, हम दोनों के उपदेशी शिष्य है। अच्छा। इनका जो सिद्धि साधना का जितना भी सामान है वो भी विरासत में हमको मिला हुआ है। अच्छा। और हमारे गुरु जी का बाबा जगदीश नाथ जी महाराज का जो भी है वो भी हमको मिला हुआ है विरासत। अभी इस मार्ग में और कहाँ तक आपको जाना है? कुछ नहीं, हमको तो जन कल्याण करना है, बस सनातन को वापिस जागृत करना है, ठीक है। और जो कोई भ्रांति आजकल सोशल मीडिया में उत्पन्न हो गई है उसको खत्म करना है। आदेश।